शुक्रवार को मनासा नगर में जिला सेन समाज द्वारा रघुनाथ मंदिर में नागपंचमी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकाल ठाकुर जी का अभिषेक कर महाआरती की गई। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे ठाकुर जी की भव्य शाही सवारी रघुनाथ मंदिर से नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई द्वारकापुरी धर्मशाला पहुंची। सवारी में पुरुष सफेद पोशाक में और महिलाएं लाल रंग की साड़ी में सुसज्जित थी। इस आयोजन के दौरान जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत किया गया। वही समारोह में जिले के सभी समाजजन पुरुष और महिलाएं उपस्थित थे। जिला सेन समाज, जिला युवा सेन समाज, सभी तहसील सेन समाज और तहसील युवा सेन समाज के सदस्य समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दीपक गहलोत, तहसील अध्यक्ष हिम्मत परमार, नगर मनासा अध्यक्ष जगदीश बोराना, नगर युवा अध्यक्ष राहुल सोलंकी, केश शिल्पी अध्यक्ष सुनील डाबी, मांगीलाल सेन, सूरजमल सेन, गोपाल बोराना, दहरत वन भैरव, रामनिवास खींची, गोपाल गहलोत, रितेश बोराना, पंकज बोराना, अश्विन गहलोत और नगर महिला मंडल अध्यक्ष ज्योति सेन सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। मनासा में सेन समाज द्वारा प्रतिवर्ष नागपंचमी महोत्सव मनाया जाता है। हम जब से पैदा हुए हैं, 18 साल तो मुझे हो गए हैं, उसके पहले से भी मनासा सेन समाज द्वारा नागपंचमी जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन सेन समाज का श्री रघुनाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ से भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, पूरे नगर में भ्रमण करती है और उसके बाद अपने वापस मंदिर में शोभा यात्रा आती है। कालांतर में समाज ने जैसे जैसे प्रगति की, तो इस आयोजन के साथ साथ समाज ने जिला स्तर पर यह आयोजन मनाने का निर्णय लिया और इसमें जिले में जितने प्रतिभावान बच्चे बच्ची रहते हैं, चाहे उन्हें 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन में जो प्रथम श्रेणी में आते हैं, उनको समाज द्वारा पुरस्कृत किया जाता है ताकि बच्चे आगे जाकर समाज का नाम रोशन करें। नागपंचमी मनाने का मेन उद्देश्य यह रहा है, जैसी श्रुतियाँ चल रही है कि भगवान शेषनाग की नाभि से सेन समाज की उत्पत्ति हुई है, तो हमारा आराध्य देव शेषनाग है और उन्हीं की जयंती होती है, तो हम हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। मोबाइल की इसमें कहीं ना कहीं आज का युवा पिछड़ता जा रहा है, उसको लेकर समाज द्वारा क्या कुछ आगामी निर्णय या कुछ आयोजन ऐसे करेगी कि ताकि बच्चों में अच्छा संदेश जाए, ऐसा कुछ आयोजन? देखो, विज्ञान अगर चमत्कार है तो अभिशाप भी है। मोबाइल का उपयोग अगर हम बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो मोबाइल में जितने ज्ञानवर्धक बातें हैं वो तो बच्चों की शिक्षा में सहायता करती है और उसके मस्तिष्क को विकसित करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान मोबाइल देता है। तो ये परिवार जैसा संस्कार बच्चों को देगा तो बच्चे उसी तरह मोबाइल का उपयोग करेंगे। सेन समाज में हम इस बात की सतर्कता रखते हैं, बच्चों का जब हम प्रतिवर्ष सेमिनार लगाते हैं, कैरियर सेमिनार, तो इसी बात को उनको सावधान किया जाता है कि मोबाइल का उपयोग करो किंतु अपने शिक्षा के लिए करो, अपने ज्ञान के लिए करो। तो हमारा समाज प्रयास रहते हैं कि मोबाइल से बच्चे दूर रहे और जब भी मोबाइल की ज़रूरत हो तो अपने शिक्षा के लिए उपयोग करें, न कि अपने विनाश के लिए उपयोग करें। क्या नाम? दीपक गहलोत, अध्यक्ष जिला सेन समाज, जिला। मनासा से शब्बीर बोहरा की रिपोर्ट।